गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, इंडियन ब्लॉगर अदी चैनल को आप सभी को स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, मैं फटाफट ना लंच वगैरह खा के बर्तन वगैरह धुला के जल्दी जल्दी निकल रही हूँ। और अभी मैं पर्स चेक कर रही हूँ, पैसा के लिए चेक नहीं कर रही हूँ मैं। ऐसे ही मतलब वो मेरा जो आईडी प्रूफ वगैरह वो और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है या नहीं ये चेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अर्जेंट काम है, बाहर जाना है। और तो चलिए फिर मैं कहाँ जा रही हूँ आपको दिखाऊंगी, लेकिन मेरा जो अर्जेंट काम है वो मैं नहीं बता पा रही हूँ, सॉरी। पहले से मैं बोल दे रही हूँ आप लोग को। और देखा तो गाड़ी में ना तेल ख़त्म होने वाला था, तो पेट्रोल टंकी आ गया। मैंने सोचा अभी पेट्रोल डाल देती हूँ, लेकिन इतना लंबा लाइन, थोड़ा मतलब टाइम लग गया मुझे, 15-20 मिनट। और जब भी अर्जेंट में हो ना, तभी ना कुछ मतलब इतना मतलब बीच में आ जाते हैं ना, तो काम लेट हो जाता है। फिर हम लोग काम ख़त्म करके सब्जी भी लेना था, तो अभी जो सब्जी का रेट इतना चल रहा है ना, महंगा चल रहा है सब्जी, मतलब मार्केट में घुसने के लिए भी डर लग रहा है, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना। धनिया पत्र बीड़ा कोड़ी अभी ब्रेड सैंडविच बना रही हूँ, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है। तो देखिए, आलू को ना ऐसे हाथ में मैंने मसल लिया हूँ, तो ये टॉपिंग बना रही हूँ अभी। उसमें पहले डालेंगे नमक, पूरा सिंपल सा बना रही हूँ। तो ये है नमक थोड़ा सा, और ये है ब्लैक सॉल्ट और हरी मिर्च। थोड़ा चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स ऑप्शन है, आप डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा ना देखने के लिए, और टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा से आ ही जाता है, तो इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया। और इसको अभी हम अच्छा से मिला देते हैं। फ्रेंड्स, कल आते आते ना शाम हो गया था, और बहुत ज़्यादा मेरा घर पे जो काम पड़ा था, इस वजह से मैंने कल कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया। देन कल रात में काम कंप्लीट करके तो सो गई थी, और ये सुबह का टाइम है। मॉर्निंग में ना मैं आज ब्रेड सैंडविच बना रही हूँ, और काफ़ी दिन हो गया ब्रेड सैंडविच जो है नहीं बनाई थी, और कल आते टाइम में ही ब्रेड लेके आई थी साथ में। और जो ब्रेड सैंडविच मैं बनाती हूँ ना, वो कितने टाइप के ही बना लेती हूँ, मेरा मन जैसे करे ऐसे ही बनाती हूँ। कभी आलू का भरता बना के बनाती हूँ, कभी ऐसे ही बनाती हूँ, और कभी कभी ब्रेड आमलेट ऐसे ही मतलब अंडा का आमलेट दे के ही बना लेती हूँ। अभी चलिए जो स्टफिंग भर के ना इसको सेक लेंगे। और सुबह सुबह इतना ज़ोर से भूख लग रही थी ना, बात करने के लिए भी हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम हो गया था, और कल का काम में भी मैं थोड़ा टायर्ड हो गई थी, घर का बाहर का दोनों साइड का करते करते। और अभी मैं टमाटो सॉस निकाल के दे रही हूँ ओम को ना, सैंडविच के साथ चिली सॉस अच्छा लगता है, लेकिन चिली सॉस निकालने के लिए स्टूल लाना पड़ेगा। और इधर ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद मैं फटाफट राइस भी बिठा दे रही हूँ। और आज मुझे जो बर्तन का स्टैंड है ना, उसको भी धुलाना है, 2 हफ्ता हो गया उसको नहीं धुलाई थी। और बर्तन धुला धुला के उसके अंदर जो रख रहे उसका जो पानी निकल रहा है ना, उसका प्लेट में इतना येल्लो येल्लो हो जा रहा है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो बर्तन है उसको बाद में धुलाऊँगी, पहले इसको प्लेट को साफ कर लेती हूँ। बर्तन स्टैंड को साफ करने के बाद जाके बर्तन धुला के रखने से सही रहेगा, नहीं तो ऐसे ही मतलब ना जल्दबाजी में करते करते स्टैंड भी मेरा रह जा रहा है। तो चलिए मैं ये सब बर्तन वगैरह धुला के फिर स्टैंड में लगा लेती हूँ, फिर आप लोग के साथ बात कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह से मैं एक मिनट भी आप लोग के साथ बात नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा काम था वही कर रही थी। तो अभी मैं लंच बना रही हूँ, और कढ़ाई भी मेरा गर्म हो गया है। आज एक अच्छा सा रेसिपी बना रही हूँ, जो कि बहुत इजी है, और कम चीज़ को लेके हम लोग बनाएंगे, जितना कम सामान है ना वही को लेके बनाएंगे। और ये जो डिश है पश्चिम ओडिशा का ही डिश है, बहुत अच्छा लगता है, ऑथेंटिक रेसिपी है। अभी ना मतलब सब भूलने लग गए हैं ये डिश को, तो मैंने सोचा आज बना रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर ये डिश आप लोग ना ज़रूर बनाइएगा, अगर अच्छा लगेगा तो, अगर अच्छा नहीं आप लोग को 100% अच्छा लगेगा, और कम सामान को लेके बनाते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ये कीजिएगा और कमेंट्स दीजिए ये जो रेसिपी आप लोग को कैसे लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कढ़ाई गर्म हो गया है। मैं उड़द दाल को ना थोड़ा सा मतलब सरसों तेल में हल्का सा जो सेक लेते बोलते हैं ना, हल्का सा हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए, मैंने सरसों तेल डाल दिया हूँ, तेल गर्म होने के बाद ना
आपको जितना क्वांटिटी में बड़ी चाहिए, ये उड़द दाल का बड़ी है, इसको हम थोड़ा सा बस सेलो फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा तेल मेरा ज़्यादा हो गया है, डालते डालते ना याद ही नहीं रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया हूँ मैंने। बस इसको सिर्फ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये हमारा अभी हो गया है, इसको हम एक बर्तन में ना निकाल देते हैं, कटोरी में निकाल देते हैं। सिर्फ हल्का सा ना सेक लेना है। ये देखिए बॉडी टमाटर के लिए ना, ये देखिए मैंने 4 टमाटर काट के ले चुकी हूँ। देन प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, करी पत्ता, और इसको पश्चिम ओडिशा में टमाटर को क्या बोलते पता है? पातल घंटा बोलते हैं इसको, क्योंकि पहले पहले हम लोग पश्चिम ओडिशा में रहते थे, तो इस वजह से ये मुझे पता है। इसमें ना एक उधर बेम्बो का एक चीज़ मिलता है जो उसको कद्दी बोलते हैं, वो भी डाला जाता है, लेकिन वो पश्चिम ओडिशा में ही मिलता है और किसी जगह में ही आपको मिलेगा ही नहीं, इस वजह से वो मतलब मैंने स्किप कर रही हूँ। तो अभी चलिए हम प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और करी पत्ता डालेंगे। पहले ना जो लहसुन कूट के लिए है वही डालना है, कूटा हुआ लहसुन इसमें अच्छा लगता है। अगर आप काट के डालोगे ना इतना टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो डिश के लिए जो चीज़ है ना वही डालने से ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बीच में क्यों बोला कि थोड़ा याद आ गया, मैं भूल जाऊंगी वॉइस ओवर करने से, इस वजह से मैंने बीच में थोड़ा सा बात कर लिया आप लोग के साथ। कूटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा टाइम बस इधर उधर कर लेंगे, जलाना नहीं है हमको। बस ये हो गया, अभी प्याज और करी पत्ता एक ही साथ डाल देंगे। नमक और हल्दी पाउडर डाल देंगे, ये नमक टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालना है, और देन हल्दी पाउडर। बस इतना चीज़ को लेके ये जो मतलब डिश है हम लोग बनाते हैं, इसमें मिर्ची पाउडर वगैरह मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। मतलब ये डिश में ना मिर्ची पाउडर जो हम मिक्स नहीं करते हैं, सिर्फ हरी मिर्च में ये चीज़ बनाते हैं। और ज़्यादा तीखी मतलब तीखा खाना पसंद है तो आप लोग इसमें और भी हरी मिर्च ऐड कर सकते हो। अभी हम टमाटर डाल देंगे और थोड़ा सा हल्का सा मतलब पानी देके ना इसको कवर कर देंगे, जैसे टमाटर अच्छा से मिक्स हो जाएगा। फिर बड़ी डाल के उसको 2-3 मिनट के लिए कवर करेंगे। सुबह पाउडर, ऐसे ही ना मैं पाउडर बना के डिब्बा में रखती हूँ, और जब मुझे मसाला चाहिए तब इससे निकाल के आपको जितना स्पून चाहिए आप ले सकते हो। और भिंडी को ना ऐसे काट के रखी हुई हूँ, देखिए ऐसे करके ना टमाटर को अच्छा से दबा देना है। तो जैसे आपको ग्रेवी चाहिए आप ऐसे डाल सकते हो पानी, तो इसमें मुझे थोड़ा सा ही ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा नहीं। टमाटर भी अभी रेडी है तो मैं अभी पानी डाल दूंगी इसमें। इसमें ना ऐसे कड़छी से अच्छा से इसको ऐसे ऐसे करके मैश कर देना है। पानी मेरे लिए इनफ है, बस इतना ही दे दूंगी। भिंडी फ्राई के लिए ना सरसों तेल लिया हूँ, कोई भी आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अभी हम भिंडी को नमक और हल्दी बस इतना दे के ही थोड़ा हल्का सा फ्राई। बड़ी देखिए मेरा रेडी हो गया है, और लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता बस ऐड कर। बस भिंडी फ्राई हो गया है, और ये देखिए ये सरसों मसाला है, कितना फाइन सा पेस्ट हो रखा है। तो अभी हम सरसों मसाला जो है वो डालेंगे, जितना चाहिए आप उतना डाल सकते हो। आप नींबू का रस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 4:50। मैं थोड़ा ना घड़ी भी आप लोग को दिखा देती हुई, देखिए 4:50। तो मैं अभी ना वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तो मम्मी जी ने आके बोले अभी देवर जी आ रहे, तो कॉलेज से अभी आ रहे, तो कॉलेज में वो लेक्चर है, तो 5 बजे आके पहुंच रहे हो। तो मैं फटाफट उठ के ना
सोच रही है 10 मिनट के अंदर मैं क्या बनाऊं। मैंने 10 मिनट हाथ में है और इतना कम टाइम में, इतना शॉर्ट टाइम में क्या बना के दे पाऊंगी, क्योंकि प्रिपरेशन में भी ऐसे ही आपको 10 मिनट लग जाएगा, 10-15 मिनट ऐसे ही लग जाएगा, तो नहीं अभी हो पाएगा। फिर भी मैं ना थोड़ा मतलब किचन में चलती हूँ और देखती हूँ किचन में क्या है, क्योंकि ना थोड़ा बहुत पहले से ना कोई भी चीज़ मैंने प्रिपरेशन करके रखती हूँ, लेकिन आज ऐसे ही कुछ मेरा प्लानिंग नहीं था इवनिंग में क्या बनाऊंगी बोल के, लेकिन किचन में आके मैंने देखी, इधर मैं ना देखे क्या है, 2 पीस सिर्फ आलू है, मतलब जो बॉयल किया आलू ना वही 2 पीस है, और ये 2 पीस आलू में मैं क्या बनाऊँ, तो थोड़ा ना मैं सोच लेती हूँ क्या बनाऊंगी इसी में, और आप लोग भी गेस कीजिए मैं क्या बना रही हूँ। तो चलिए अभी ना लाइट ऑफ करती हूँ, जय उठ गया है उसको पानी पिलाऊंगी और उसको थोड़ा ड्रेस वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ, लाइट ज़्यादा आ रहा है ना। हाँ बाबा जय बुला रहा है मुझे, जाएंगे चलो कहाँ जाना, इधर जाना है, इधर मैंने चाय भी चढ़ा दिया हूँ, वो तो चाय नहीं पीते, सिर्फ हम लोग के लिए मैं चाय बिठाई हूँ इधर। देन देखिए इधर प्याज थोड़ा सा काट के लिया हूँ, नमक और चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, ये आलू, आलू को ना हाथ में थोड़ा सा क्रॉस करके इसमें आप जैसे चटनी बनाते हो ऐसे डाल सकते हो, इसमें हरी मिर्च भी ऐड करे मतलब कर सकते हो, जीरा पाउडर वगैरह डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास बहुत कम टाइम है तो इसीलिए इतना ही मैंने लिया हूँ, और इसको हाथ में ना अच्छा से मिक्स करेंगे। और ये रहा मेरा बिस्किट्स, इसके साथ ना ये बिस्किट मैंने रख दिया हूँ। ओम का बुक के ऊपर से ना मैंने पेन हटा दिया था, तो मुझे अभी याद आ गया मैं कैसे रख के आ गया, अगर थोड़ा उसका इधर उधर हुआ होगा ना मुझे बहुत मतलब गाली देगा उसने, क्यों आपने ऐसे रखा, क्यों ऐसे रखा। ये देखिए सच में उसका पेन ऐसे है, पहले ना ऐसे ही सीधा था, ये मैंने आप लोग को दिखाते टाइम में ऐसे कर दिया, अभी आके ना बोलना था मामा जी मेरा पेन में, मेरा पेंसिल में कौन लग रहा था, साइजिंग कर देते हैं इसको, बस हो गया शांति। ये जो स्नैक्स है ना आप लोग को ज़्यादा पसंद आएगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और इसमें ज़्यादा भी टाइम टेकिंग नहीं है, बच्चे और बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये देखिए फटाफट भी बन जाएगा, और देखिए दो जो आलू का पीस में कितना सारा मेरा जो बिस्किट चॉप है वो बन गया है, तो इसमें भी आप ना और दूसरा भी कुछ मटर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, लेकिन कितना जल्दबाजी में मैं बना रही हूँ आप लोगों को तो पता है, बस ये बन के रेडी हो जाएगा, फिर ऊपर में थोड़ा सा टमाटो सॉस या टमाटो केचप ऐसे ही डाल देंगे, और देन उस ऊपर में और थोड़ा भुजिया डाल देने से ये अच्छा लगेगा। ये देखिए मैं बिस्किट चॉप बना के दे दिया, बस आप लोग भी ना ऐसे बगैर प्लानिंग में कोई गेस्ट आपके घर पर आ रहे तो आप ऐसे ही बना के दे सकते हो, अगर बच्चे लोग का बर्थडे पार्टी वगैरह कर रहे हो तो स्टार्टर में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग को आलू और नमकीन बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद आता है इस वजह से, और थोड़ा ऊपर में टमाटो सॉस वगैरह दे देने से तो पूरा और भी अच्छा लगता है, ऐसे करके मैंने दे दिया। और अभी मैंने रोटी बना रही थी, भाई को रोटी बना के दे दिया, और हम लोग का अभी मैं बनाऊँगी आप लोग के साथ बात करने के बाद। ये देखिए आटा का गोली, तो चलिए बनाने से पहले ना मैं जो इधर का अभी का जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ, रहती हूँ, बाय बाय। अगर रेसिपी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए।